रहती है। क्यों लूँ मैं अभी से इतनी टेंशन यार, 20 साल की उम्र में टेंशन की बीमारी क्यों पाल रहा हूँ। डोंट सी मी लाइक दिस, सी योर गर्लफ्रेंड लाइक दिस। ऐसे हाथ पकड़ के लाना पड़ रहा है सबको, इकट्ठा करके लाया हूँ मैं। कोई मतलब नहीं मम्मी को हमसे, कोई मतलब नहीं। यूट्यूब, मम्मी का यूट्यूब चाहिए मम्मी को। मेरा मन कहने लगा मेरी तरह बुद्धू नहीं बनना, ठीक है आर्यंस। मैं भी पता नहीं क्या सोचता, तो इतना कुछ ये करूंगा फुसड्डी और कुछ नहीं कर पाता हूँ। मॉर्निंग आर्यंस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। मेरे दोस्तों आपको बता, आर्यंस हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर। ओ देखो वहाँ, आपको नहीं दिखेगा। ओके आर्यंस, मुझे आपसे एक चीज बोलनी है। आपको बताया हमारा सैड होने का रीज़न हम ही, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हूँ ना, उसका रीज़न अब मैं ही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लाइक बहुत सोचने समझने के बाद ऐसा लगा, बताऊँ क्यों। देखो मैं ही तो बेवकूफ़ हूँ रे, जो मतलब कुछ चीज़ हो रही है उससे खुद ही सैड हो जा रहा हूँ। मुझे कोई और थोड़ी ना सैड कर रहा है, मैं खुद ही सैड हो रहा हूँ खुद के लिए। अब मैंने आपसे एक प्रण लिया है, मतलब मैंने खुद से एक वादा लिया है। मैं खुद को सैड नहीं होने दूंगा यार, खुद की छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करना सीखूंगा। अगर आप भी खुद से छोटी छोटी बातों में लाइक सैड हो जाते हैं तो वो आपको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर कैसे करेंगे, लाइक देखो पहले तो यार देखो हम ही ना अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो मैंने डिसाइड किया था मैं आज उठ के ये सब करूँगा। अपनी बेइज्जती मार रहा हूँ, खुद की बेइज्जती मारने में कोई गर्ज थोड़ी ना है, हर मतलब गलत थोड़ी ना है। मैंने सच में मैंने सोचा था मैं 6 बजे उठूँगा, 6 से 7 ये करूँगा और कुछ नहीं किया। छत में आया, थोड़ा बहुत किया, फिर मैंने दिमाग में बोला ऐसा क्यों मैं सोच रहा हूँ और कर नहीं रहा हूँ, सीधे करना है, सोचना नहीं है। तो आज से आई हैव डिसाइडेड जो भी मैं करूँगा मैं सीधे करूँगा, सोचूंगा नहीं कि मैं सोच के ना मेरी दिमाग की एक नसवाक से यहाँ लाती है, वहाँ से यहाँ अलग सना बातें आती है और फिर होता है मेरा दिमाग खराब। दिमाग खराब करने से अच्छा है सोचो ही मत, सीधे करो। तो यस, अभी मेरा व्लॉग बनाने का मन किया तो मैंने सीधे ये किया आपसे बात, ठीक है। और मैंने एक रक्षाबंधन आने वाला है उसके लिए एक रील बनाया खुद के वॉइस में। अब सबको मेरा वॉइस बहुत पसंद है एंड मुझे सब बहुत अच्छा लगता है आर्यंस। एंड यस आर्यंस आप भी स्टार्ट कर दो ये सब। देखो खुद को खुद हर्ट करना इज बैड थिंग। एंड अब तो मैं मुझे थोड़ा मोटा भी होना है क्योंकि मैं अच्छा नहीं लग रहा इतना पतला सा चूमसा। मोटा होना है तुझको, और इधर उधर के बारे में सोचूंगा तो मोटा तो कभी नहीं होने का मैं। इसलिए यस अभी कुछ मुझे सोचा नहीं आगे मैं क्या करूँगा, मैं सीधे करूँगा। अभी मैंने चाय तो पी ली ना, ब्रश करूँगा सीधे। चलो आज से सोचना नहीं है सीधे करना है, ठीक है। सोचना मतलब प्लानिंग कर सकते हो क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सीधे करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी तरह बुद्धू नहीं बनना है, ठीक है आर्यंस। मैं भी पता नहीं क्या सोचता, तो इतना कुछ ये करूँगा फुसड्डी और कुछ नहीं कर पाता हूँ ऐसी। प्रणाम भैया, ये सब रह गए ना तो लाइफ तो यही की रही रह जाएगी, दरी की रही रह जाएगी। सब पहुँच जाएंगे यहाँ से लंदन, लंदन से वहाँ, और मैं रह जाऊँगा यहाँ सोचने में, है ना। सोचना नहीं यहाँ से करना है सीधे। तो चप्पल उतारो, चलो क्या करूँ अब देखो आर्यंस आज मैं क्या करता हूँ, रुको। लाइट इज गॉन आर्यंस, कल मेरा जियो फाइबर का रिचार्ज खत्म हो गया था 500 का, तो यही बढ़ना पड़ा और तू लाइट ही नहीं है आज, वाह धोखेबाजी कर दी मेरे साथ। चलो आर्यंस ब्रश करते हैं यार सबसे पहले। चलो ये देखो, ये मैंने अपना न्यू इंस्टॉल किया है सारा, मैंने डाइडा से तुरी मारा है। ये भी मैंने डाइडा की टी शर्ट तुरी मारी है, ये भी मैंने डाइडा की टी शर्ट तुरी मारी है, ये भी मैंने डाइडा की टी शर्ट तुरी मारी है। तुरी मतलब होता है चोरी ना, चोरी मैंने मांगा है प्लीज मुझको दे दो करके। और ये भी मैंने डाइडू की टी शर्ट ली है, ये सब मेरा जो डाइडू का सब मेरा है सब। हाँ हाँ बनाया तूने, अच्छा दिखा कैसे बनाया तूने, जिसमें तेरे वो डाले पता नहीं कैसे बना होगा, पता है टेस्ट थोड़ी ना होगा टेस्टी। अरे तू क्यों चला गया बाथरूम में, वो मम्मी पता नहीं तूने कैसे बनाया होगा मुझे भी नहीं पता, मैं ब्रश कर रहा हूँ। चलो आर्यंस सबसे पहले करते हैं ब्रश, वो भी हमारे दादाजी के डाबर रेड्डीज। ये हमारे दांतों को मजबूत करता है साथ ही साथ हमें खुश करता है गंदे गंदे टेस्ट। मेरा मन कहने लगा
आर्टेंस अब से ना मैं कुछ भी नहीं सोचने वाला, मैं लाइफ में ये करने वाला वो करने वाला, देख ही जाएगी बस। बहुत हो गया यार ये सोचो, मैं परेशान हो जाता, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं कर पाता, फिर मैं लास्ट में खुद ही हर्ट हो रहा हूँ। कद्दू सोचने का है, मैंने सोचना ही नहीं है मैं लाइफ में ये करूंगा, जो हो रहा होगा ना मेरा पास्ट है, सॉरी पास्ट नहीं प्रेजेंट है, उसी पे मैं ध्यान देने वाला हूँ। लेट्स सी, आई एम नॉट गोना थिंक कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जब करना होगा मैं कर लूंगा यार, हट। बहुत हो गया, खुद को मैं परेशान नहीं कर सकता यार। चलो मैं ब्रश करता हूँ, मिलता आपको, और आपको सुननी पड़ेगी मेरी दोस्त, आप मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। मेरी दोस्त आई है ना, रुको हट जा। मम्मी क्या, मम्मी क्या, मेरी मेरी दोस्त ना दोस्त को परेशान कर रही है मेरी मम्मी। हाँ तुई तुई चटपटी वाली है आर्टिस्ट। आपको तो मुझे ना साधारण खाना पसंद आता, लेकिन ये चश्मे देख रहे हो, इतना मिर्च मसाला खाती है ना, क्या बताना है, तभी तो ऐसी मिर्च मसाले वाली है। देखो आर्टिस्ट, फाइनली मैं ब्रश करके आ गया, यही बोलूंगा आर्टियंस, तू व्हाट यू लव, ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ बस बता रहा हूँ। एंड यस आर्टियंस, आज से तेल लगाए साम दंड रे, मुझे नहीं लेना करियर फरियर की टेंशन, उसके कारण आपको पता मैं जीना भूल गया, मतलब हर वक्त टेंशन रहती है, क्यों लूँ मैं अभी से इतनी टेंशन यार, 20 साल की उम्र में टेंशन की बीमारी क्यों पाल रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, कभी कुछ मेहनत करूंगा, ऐसा नहीं मेहनत करना छोड़ दूंगा नहीं, पर टेंशन नहीं लूंगा। अब बहुत हो गया, क्योंकि आज दिन मैं हमेशा ना कुछ भी अगर कोई फन चीज़ें हंसी मजाक भी कर रहा हूँ ना, वहाँ पे ना मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अरे ये नहीं लाया तो क्या होगा, अरे छोड़, सोच सोच के कुछ नहीं कर हो पा रहा है यहाँ, ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं कर पा रहा सिंधी। अब बस यही बोलना है मुझे आपसे, आप भी मत सोचो ज़्यादा, जो होगा होगा, दिमाग खराब की दही की पाई कर दी है। ओके आर्टेंस, आज हमें कॉलेज जाना है, क्योंकि आज भाई का प्रोग्राम है एंड मुझे उसकी हेल्प करनी है, हेल्प नहीं बोलेंगे इसको, साथ देना है भाई भाई, तो लेट्स गो। आज हमारे यहाँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा, देखते हैं कैसा होता है, मेरे लिए भी नया नया आर्टिस्ट, आपको भी दिखाता हूँ, आपके लिए भी नया नया, तो लेट्स गो। आज हम क्या पहनने वाले हैं, धरा 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 धन धना धन, ये पहनू क्या, मेरा रशु नहीं, मेरे को जूता पहनना है, जूता डाइडू का जूता पहन, डाइडू का जूता वाला टी शर्ट पहनूंगा, और ये है मेरी प्यारी प्यारी दूर 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 दूर, और ये पहनूंगा, है कि की गजब। लेट्स तैयार होइ, सबसे पहले खाऊंगा अपना खाना, खाना ले बे फुलझड़ी, ये इसको देखिए, ये कोई मतलब नहीं मम्मी को हमसे, कोई मतलब नहीं, यूट्यूब मम्मी का, यूट्यूब चाहिए मम्मी को बस, आजकल तो ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन मेरी तो मम्मी है ऐसी, बताओ। हाँ। ये देखो मैं खुद से नहीं बोलेगी मम्मी सुबह से, देख रहे आप मेरी मम्मी खतरनाक है, और क्या भाई भूख लगी है, भूख 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 करूँ मैं पता, जब ना जब मेरे डैडी पापा पापा थे ना, हम बोलते थे पापा भूख लग गई, तो पापा बोलते थे भूख भूख करो भूख भूख तो मैं आपको बता रहा हूँ, याद मेमोरीज ऑल बिजनेस है ना। चलो आर्टियंस कपड़े पहनते हैं, कपड़े नहीं पहले खाना खाते हैं, नाश्ता जरूरी है, बहुत हो गया और मैं हमेशा यार इसी पॉजिटिविटी के साथ नया नया लोगों का लाइक एक बात में खत्म हो जाता है ना, वो मैं नया नया जन्म लेता रहूंगा, नया नया मतलब बोलने का तात्पर्य यह है, कुछ नहीं यार नहीं बोल रहा मैं, मिल पाऊँ। दिस इज माई खाना, सॉरी दिस इज माई नाश्ता, एंड आई विल फिनिश इट पूरा, 1 2 3। इतने टाइम बाद मैंने ना, कोई बंद हो गए स्पॉटिफाई के बच्चे, ये भी कैसे है ना अपना पैसा कमाने के लिए एड खूब डालते, पेट भर के नाश्ता किया है भाई, मजा आ गया। चलो आर्टियंस अब फटाफट रेडी होता हूँ, मिलता हूँ आपको फिर, साथ में चलते हैं कॉलेज, आज से नो टेंशन, से नो 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 फुटले। आर्टिस्ट आज मैं बन गया एकदम पहले वाला बच्चा, लुक दिस, लेट्स गो टू कॉलेज। आज मैंने अपनी मम्मी का दुपट्टा लिया है धूप से बचने के लिए, चले लेट्स गो टू कॉलेज, आज वहां पे प्रोग्राम भी होगा, लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। ओके दिस, मेरे ड्रेस कोड को देख कैसे लग रहा है, मैं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग नॉट फॉर गोइंग फॉर ट्रैवल, पैसा
चाहिए मेरे को। आज आर्टियंस मम्मी का दुपट्टा हर जगह घुमाऊंगा मैं। रुको पहले अपने बाल तो सेट कर लूँ यार थोड़ा। गर्मी देख रहे हो गर्मी। चलो आर्टियंस आज तो कॉलेज के सारे बच्चे घर चले गए होंगे। रक्षाबंधन आ रहा है यार सब अपने घर जाएंगे ही। मेरा घर तो यही है। मेरा भाई भी होगा दिख रहा है ये है मेरा भाई ये आज ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। एज यू ऑल नो मैंने आपको बताया था तो हम साथ में करने वाले हैं। हाय दोस्तों बेटा देखो मेरे पास क्या है गोकुल मामा पास फेल वाला था ये। अरे कहाँ गिर गया तू गोकुल मामा पास फेल। अरे हम इसे बचपन में कहते थे गोकुल मामा पास फेल और उड़ता था तो मैं पास रहता था और मैं टेंथ में तो सच में मेरा निकला ही उड़ा ही नहीं है तो वो सच हो गया इसलिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को। हाय अरे उड़ गया झूला बना के मेरा खोपड़ा दर्द हो गया। आज मैं पहली बार यहाँ पे बैठा था फैकल्टी में। अब मैं नीचे जाऊँगा जैसा आपको बताता हूँ। हाय बोल दो हम सब बच्चे इनको लेके जा रहा हूँ मैं डीन फैकल्टी नीचे। मैंने वहाँ पे आपको भी नहीं घुमाया चलो साथ में चलते हैं। मैंने बताया था ना रात की प्रोग्राम है तो यहाँ पे हमें सब बच्चों को लाइक इकट्ठा करना है तो हम वही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलो अटेंड नीचे चलते मेरा सर दर्द हो रहा है मेरी मम्मी का चुनी। आर्टियन सी देखो हमारे नीचे का एरिया जहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सुंदर सा एरिया है पूरी ग्रास ग्रास है तो यहाँ पे बच्चे हमें इकट्ठा करने हैं फिर हम प्रोग्राम अपना ऑर्गेनाइज करवाएंगे राखी वाला। आर्टियन सी सारे देख रहे हो आप हाई कर दो यार। ये हमारे कुछ न्यू कमर्स हैं सबको इकट्ठा करके लाया हूँ मैं। देखते हो आप मेरे लोग आर्टियंस कहाँ गई स्क्विरल। आप ले जाओ भैया मैं पता करता हूँ यार। दबो भैया भी लगे हैं भैया और मैं तो लगा ही हूँ भाई मेरी तो बैंड बज गई है बैंड। हाय ऐसे हाथ पकड़ के लाना पड़ रहा है आओ आओ करके। थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू। हाँ ये प्रोग्राम बस बढ़िया से हो जाए मज़ा आ जाएगा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्यों अच्छा होना चाहिए मस्त एकदम बढ़िया सा। सो आर्टियंस फाइनली इतना तो हो गया है। सो आर्टियंस ये तीनों देख रहे हैं आप ये मैं इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया ये आएंगे और सच में आए यार मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू यार थैंक यू। सो आर्टियंस अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं ये देखिए ये फूल जड़ियाँ ये चश्मे सजाएगी जो कि सो आर्टियंस हम ये सब बच्चों के लिए ये कर रहे हैं। अगर चल जाए तेरी भी नहीं है हंसने की जरूरत नहीं मेरे सारे भाई बहनों की है। ऑडियंस मैंने मतलब मुझे तो बिल्कुल को इतना अच्छा लग रहा है ना मैंने ना मेरा शक्ल देख सकते हो ऐसी हालत हो गई मैंने सबको लेके आया पकड़ के। सो ऑडियंस आज मैं कूड़े वाला भी हूँ। अभी ऑडियंस ये राखी वगैरह की तैयारी चल रही है। ओके आर्टियंस ये राखी वाखी का प्रोग्राम हो रहा है मुझे घर भी जाना पड़ेगा क्योंकि आर्टियंस को ये वाला ब्लॉग एडिट करके भी डालना है तो यहाँ पे चल रहा है अभी राखी रुखी का तो इसके बाद सीधे घर चलते हैं फिर ब्लॉग एडिट करते हैं ठीक है साथ में। हाय बोलो मेरे ब्लॉग में तुम मेरे साथ वाले सब जी मैं आज पहली बार नहीं कल भी मिला था तुम मेरे लिए आए। सो आर्टियंस सब राखी वाला कर रहे हैं मेरे जितने आप सब जो लड़कियाँ हैं वो भी मेरे भाई बहन हैं और जो लड़के हैं आप सब मेरे भाई बहन ही हो और दोस्त भी हो तो आई लव यू ऑल। आई होप आपके यहाँ पे रक्षाबंधन अच्छे से आप सेलिब्रेट करेंगे एंड यस वी आर फॉर एवर फ्रेंड्स। ओके
अब मैं बचाऊँ सिर्फ इस खाली प्लेट के साथ। ना मुझे चॉकलेट मिली और एक गार्ड भैया का पानी भर के मैं आया हूँ, वो भी सब मेरे से पीने पे लगे। मेरे अंकल का पानी है जिन्होंने मुझे बॉटल दी है और उनको मुझे पानी देने जाना है, बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटना चाहता हूँ। ताकि टाइम को 10 लोग भी गलत बोले आई डोंट केयर, जब क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पानी देना तो देना है। लेट्स गो। अयो डोंट सी मी लाइक दिस, सी योर गर्लफ्रेंड लाइक दिस। चलो आर्टेंस, अब देखो मैं आपको ना एक गार्ड अंकल जी से आपको मिलाऊंगा। देखो अंकल जी ये लो पानी। चलो आते मैं घर जाता हूँ, फिर मैं इस व्लॉग को एडिट करके डालूंगा। चलते हैं यार, बहुत थक गया हूँ मैं। अभी ये व्लॉग भी एडिट करके डालना है क्योंकि आते मैं नहीं चाहता यार मैं एक दिन का भी गैप दूँ अब आपके और मेरे बीच में। हमारी दोस्ती फॉरएवर है क्योंकि, और अगर जिस दिन नहीं भी ला पाऊंगा तो उस दिन समझना आरती बहुत ज्यादा लो हो गई होगी। ठीक है, ये देखो बच्चे भी जैसे छूट के आ रहे हैं वैसे मैं भी कॉलेज से छूट के आ रहा हूँ यार। दिस इज लाइफ। ये है हमारी रोड जो कि बहुत तपती हुई है और इसमें हम काले हो रहे हैं। अरे मेरी मम्मी का दुपट्टा यार, किस काम का? मैंने ऐसे पता क्या कर रखा था, कंधे में बांध रखा था क्योंकि नीचे जमीन में था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओए नावी तो मोटी बाल धोई। चलो यार आते हैं, चलते हैं नीचे। लेट्स गो टू नीचे। आते हैं, मैं घर पहुंच गया हूँ ना। आते हैं, मुझे एक चीज़ आपसे शेयर करनी है, उसके बाद शायद मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगा। मतलब मैं आपको ये समझा भी रहा हूँ, ये चीज़ मैंने देखी भी है। आर्थियंस जब तुम कभी बाहर गलती करोगे ना, गलतियाँ, तो लोग ना तुम पे हंसेंगे, ये बात याद रखना। लोग ना हंसेंगे तुम्हें, ये नहीं बताएंगे तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, हंसेंगे वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे घर वाले और कुछ लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें बताते तुम्हारी गलतियाँ ये हैं, तो ना उसे प्यार से एक्सेप्ट करना। मतलब मेरी भी कुछ गलतियाँ, मैं गुस्सा करता हूँ लेकिन जब मुझे बड़ा समझाता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन हाँ आर्थियंस, मैं आपको आज एक चीज़ समझा रहा हूँ, कभी भी कोई तुम्हें बोले ना तुम पे ये प्रॉब्लम है, उसको मानना और एक्सेप्ट करना, उसको चेंज करने की कोशिश करना जितना हो, है ना। क्योंकि बाहर वाले लोग जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो तुम्हारे, समझ रहे हो तुम? तो मस्ती मजाक सबसे करो यार, लेकिन अपनी एक रिस्पेक्ट होती है ना वो कभी मत खोने देना, बस यही बोलूँगा। एंड यस आर्टियंस, आई लव यू ऑल। शायद मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूंगा क्योंकि मैंने ये ब्लॉग एडिट करना है, फिर पोस्ट भी करना है। और आज बच चुके हैं 2, दोबारा से देख सकते हो आप। सुबह चला गया 10 से, कुछ ना पानी पिया है ना कुछ पिया है, मम्मी ने जूस दिया है वो पी रहा हूँ आर्टियंस। बस मेरी लाइफ यही चल रही है और मैं खुश हूँ यार, अभी जो चल रहा है ना मैं उसमें खुश हूँ। देखी जाएगी कल क्या होगा, कल की कल है। होप फॉर द बेस्ट एंड यस डू व्हाट यू लव ऑलवेज एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड आप मुझे पता है मेरे साथ हमेशा हो यार, फॉर एवर हो, क्योंकि मेरे दोस्त हो ना। अच्छा देखो, गुड बाय सोल जी, गुड बाय, ओके लबू हाँ, किसी को हंसने का मौका मत देना खुद पे, ठीक है। डू व्हाट यू लव और हाँ लव यू गुड।